तीन को पार्लियामेंट का टिकट जो सम्मान देगा और 20 को विधानसभा में देगा, उसी के साथ हमारे समाज का लोग उसके साथ जाएंगे। विश्वकर्मा समाज से आग्रह कर रहे हैं कि हम अपना वोट अपने विश्वकर्मा बंधुओं को ही देंगे। पूरे बिहार में जितना भी पार्लियामेंट क्षेत्र है, जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र पर अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को टिकट देने का काम नहीं करेगी, हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। नहीं मिला है 75 साल में वो मुकाम को हासिल करने के लिए पूरे विश्वकर्मा समाज के जितने भी हमारे वंशज है, बड़ी लोहार, सुनार, टटेरा, कसेरा और कुम्हार, सभी एक मंच पर आ गए हैं और अपनी लड़ाई खुद हम लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव जो काफी नजदीक होते जा रही है, उसके लेकर यहाँ पर सभी जातियाँ जो है अपनी अपनी भागीदारी और अपनी हिस्सेदारी को लेकर जो है महासंगठन कर रहे हैं और एकजुट होकर जो है फैसला लेने वाले हैं कि हम कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से MLC हो या फिर राजनीतिक लाभ हो, कई एक पार्टियां और कई एक जाति के लोग जो है इस लाभ को नहीं ले पाते हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में ही रह जाते हैं और उनको कोई ना MLC बनाता है, ना ही कोई पद मिलता है, ना विधायक बन पाते, ना ही मंत्री बन पाते हैं। लेकिन अभी हम बेगूसराय में पहुँचे हुए हैं जहाँ भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का जो है यहाँ पर बैठक हो रहा है, जहाँ विश्वकर्मा समाज के कई एक लोग आए हुए हैं। चलिए, इनसे लंबे अरसे से ये समाज जितने भी पोलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके लिए कुर्सी बनाने का काम, उनके लिए दरी बिछाने का काम, उनके लिए सत्ता सुख भोगने का काम, हम लोग एक उनके लिए एक माध्यम बन के रह गए हैं। जब भी इस समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है सब लोग वोट लेते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट देने का काम नहीं करती है। मतलब राजनीतिक लाभ नहीं मिला अभी तक, आज तक राजनीतिक लाभ नहीं मिला है इस MLC कुछ रहे। इसलिए विश्वकर्मा समाज ने तय किया है कि पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चलाकर, पूरे बिहार में जिला सम्मेलन कर पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज, बढ़ई, लोहार, सुनार, ठठेड़ा, कसेरा और कुम्हार सबको एकजुट करने के बाद हमारी आबादी लगभग 8% हो जाती है। 8% आबादी किसी भी सरकार को गिराने में और किसी भी सरकार को बनाने में हमारा वोट बहुत ही बड़ा औजार साबित होगा। इसलिए हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं और हम अपने पॉलिटिकल पार्टी बना के, हमारा पॉलिटिकल पार्टी बन गया है, हम लोग गांधी मैदान के रैली में हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंस करेंगे और उसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि बेटी और वोट अपने को दिया जाता है, तो हम विश्वकर्मा समाज से आग्रह कर रहे हैं कि हम अपना वोट अपने विश्वकर्मा बंधुओं को ही देंगे। पूरे बिहार में जितना भी पार्लियामेंट क्षेत्र है, जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, हर क्षेत्र पर अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली होगी उसको हराने का काम करेंगे। पार्टी ही बना लिए है। हाँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज को पार्लियामेंट का 3 टिकट और विधानसभा का 20 टिकट देगी, हमारा विश्वकर्मा समाज टिकट पार्लियामेंट का 3 टिकट, विधानसभा का 20 टिकट देगी, हम लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, JDU है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को टिकट देने का काम नहीं करेगी, हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। हम लोग या तो NDA की तरफ रहेंगे या इंडिया की तरफ रहेंगे। जो भी हमारे विश्वकर्मा समाज को मान सम्मान नहीं देगी, हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। आज देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ही हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और समाज के ऊपर हर जिले में घोर अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज के लोगों को हर जिले में 2-4 लोगों की हत्या कर दी जा रही है, उनका जमीन लूट लिया जा रहा है, उन पर तरह तरह की अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार से निजात दिलाने के लिए विश्वकर्मा समाज के लोग संगठित होकर उस समस्या से हम लोग मुकाबला करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि जो मुकाम नहीं मिला है 75 साल में वो मुकाम को हासिल करने के लिए पूरे विश्वकर्मा समाज के जितने भी हमारे वंशज है, बड़ी लोहार, सुनार, टटेरा, कसेरा और कुम्हार, सभी एक मंच पर आ गए हैं और अपनी लड़ाई खुद हम लड़ेंगे और आने वाले समय में हमारा ही लोग विधानसभा, लोकसभा में पहुंचेंगे, यही हमारी इच्छा शक्ति है। हमारे समाज के लोग आज 98.6% मजदूरी पर निर्भर करता है, फिर भी जो मौलिक अधिकार था हमारा
बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया उस पर इस देश के बेईमान नेताओं ने हमारे समाज को छलने का काम किया, जिसका आज नतीजा है कि मेरे समाज से किसी सदन में कोई भी एक भी सदस्य नहीं है। और दिगर बात है, किसी भी पार्टी में उसको ना तो जिला अध्यक्ष या कोई जो टॉप लेवल का जो पद है ये समाज को देने का काम नहीं करता। आप भी आपके परिवार जो है लगातार रहे हैं दो पीढ़ी से हमारा परिवार तो 1962 से ही राजनीति में है, लेकिन ये जात के नाम पर काटा गया। मुकुल आनंद जी बोल रहे हैं, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी ने पूरे बिहार में एक एक जिला में जा करके हमारे समाज को मजबूत कर रहे हैं और इन्होंने ये जगाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 गो पार्लियामेंट्री एकदम हम लोग लेंगे, 25 गो मुकुल बाबू सही बोल रहे हैं, 3 गो पार्लियामेंट का टिकट किनसे लेंगे? वो जो भी राजनीतिक दल दे दे, चाहे वो कोई पार्टी का हो, जो सम्मान देगा और 20 गो विधानसभा में देगा उसी के साथ हमारे समाज का लोग उसके साथ जाएंगे। अब तो हम लोग ये जितना वंशज हैं उसका 8-10% हमारा वोट आ गया, ये काफ़ी है हमको हराने के लिए भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं जिताने के लिए भी। इसलिए पूरा बिहार मुकुंद बाबू के नेतृत्व में विश्वास कर रहा है। आगामी हमारा जो है नवंबर में जो रैली होगा पटना में 5 लाख लोग वहां भरने का काम करेंगे। 5 लाख लोग, 5 लाख लोग भर के और ये बिगुल फूकेंगे कि जब तक हमारे समाज का काम नहीं होगा, हम लोगों को नहीं देगा सम्मान तब तक हम। और बेगूसराय में हम लोग जो है 27 को जिला सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसका स्थान का घोषणा कर देंगे और उसमें 5,000 से ज़्यादा लोग हमारे विश्वकर्मा वंशज के लोग यहाँ जुटने का काम करेंगे। और ये ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तब तक ये लड़ाई हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल बाबू के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जय विश्वकर्मा, जय बिहार।